हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। मैं पहले ही आपको बता देता हूँ, अगर आप कक्षा 10th में हैं तो यह वीडियो आपके लिए है, अन्यथा यह वीडियो आपके लिए नहीं है। फिर भी अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना अच्छा लगता है तो हम कोशिश करते हैं आपको भी मज़ा आए। हम आज NCERT 10th क्लास के लिए एक्सरसाइज 8.3 करेंगे। इसके सारे क्वेश्चन आज हम सॉल्व करेंगे। यह इस एक्सरसाइज को करने से पहले हमारे दिमाग में 6 फार्मूले होना चाहिए। पहला फार्मूला ये कहता है कि अगर आपका साइन 90 माइनस थीटा है तो सिंपली ये होता है आपका कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा अगर है तो ये होता है साइन थीटा। टेन 90 माइनस थीटा अगर है तो इसको क्या लिखेंगे हम, कॉट थीटा। और कॉट 90 माइनस थीटा अगर है तो ये होता है हमेशा टेन थीटा। इसी तरीके से सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है आपका सेक थीटा। इसको आपको ये फार्मूले याद रखना है। इन सारे फार्मूलों का इस एक्सरसाइज में उपयोग होगा। इसके अलावा कुछ सिंपल फार्मूले होते हैं, जैसे आपका है टेन थीटा इक्वल टू, हम जानते हैं टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, ये होता है आपका कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसी तरीके से टेन थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉट थीटा, और इसका रेसिप्रोकल भी ट्रू होता है। कॉट थीटा इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1 अपॉन टेन थीटा। अगर हम कॉसेक थीटा को देखते हैं तो कॉसेक थीटा होता है 1 अपॉन साइन थीटा, और साइन थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा। सेक थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, और आपका कॉस थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन सेक थीटा। ठीक, इसके अलावा आपके 3 फार्मूले और होते हैं मैथ्स में जो बहुत यूज होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये तो सभी को याद रहता है। सेकंड है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और नेक्स्ट है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। वैसे तो इसमें इस एक्सरसाइज में ये 6 फार्मूले और 2-3 फार्मूले से यहाँ इनका इस्तेमाल होगा, मैंने लिख दिए आपको समझ में आए। तो ट्रिग्नोमेट्री को अगर आप करना चाहते हैं और ट्रिग्नोमेट्री पे कमांड करना चाहते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री गेम है, खेल है फार्मूलों का। अगर आपने सही क्वेश्चन में सही फार्मूला अप्लाई कर दिया तो आप ट्रिग्नोमेट्री कर पाएंगे, अदरवाइज आप ट्रिग्नोमेट्री की क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अगर आपको फार्मूले से खेलने में मज़ा आता है तो ट्रिग्नोमेट्री आपके लिए जादू के समान है। यह जादू करती है और बहुत आसानी से समझ में आती है। लोग डरते हैं और कुछ लोग डराते हैं, डरने जैसी कोई बात नहीं है। अब देखिएगा, हम इस एक्सरसाइज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमसे क्या कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री, इसको वैल्यूट करना है, इसका मान निकालना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इन दोनों एंगल का सम कितना है। अगर आप 18 और 72 को ऐड करोगे तो इन दोनों का सम कितना आएगा, 90 आएगा। अगर आपको पेयर में दो ट्रिग्नोमेट्रिकल अनुपात दिए हों, रेशोज दिए हों, तो आप सबसे पहला काम कीजिएगा कि वहाँ पर दो जो एंगल्स हैं उनका टोटल करके देख लीजिएगा। फिर हम दो में से किसी एक को चेंज करेंगे, और उसको कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे साइन, इस 18 को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 90 माइनस 72। अगर आप ध्यान से देखें तो अगर हम 90 में से 72 को माइनस करेंगे तो 18 ही आएगा, तो कोई फर्क तो पड़ा नहीं। और यहाँ पे नीचे तो जो है सिर्फ एक को चेंज करेंगे, कॉस 72 डिग्री। अब क्या हुआ, हमने अभी फार्मूला देखा, क्या देखा था हमने, हमने देखा कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है आपका
कॉस थीटा होता है, मतलब साइन 90, साइन तो चेंज होके कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, 90 हम लिखते नहीं है, माइनस लिखते नहीं, तो बचेगा क्या, सिर्फ थीटा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस फार्मूले को अगर हम अप्लाई कर दें तो साइन 90 माइनस थीटा, तो यहाँ क्या लिखा है, साइन, तो साइन को हम कॉस लिख सकते हैं, 90 लिखना नहीं, माइनस लिखना नहीं, कॉस 72 अपॉन कॉस 72। तो यहाँ कॉस से कॉस क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब कॉस से कॉस कैंसिल हो गया तो कितना आ गया, वन आ गया, हमारा आंसर आ गया। कितना आसान क्वेश्चन था। इसी तरीके से हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन सेकेंड हमसे क्या कह रहा है कि टेन 26 डिग्री अपॉन कॉट 64 डिग्री, इसको करना है। अगर हमें इस क्वेश्चन को करना है तो क्या करना, इन दोनों को देखो टोटल कितना हो रहा है, 26 प्लस 64, सीधी सी बात है 90 होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, इसको हम बदलते हैं, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, टेन 90 माइनस 64। तो यहाँ देखिए टेन 90 माइनस 64, और ये क्या लिखा हमने, कॉट 64 डिग्री। अब चूंकि 90 में 64 माइनस करेंगे, 26 ही तो बचा, इसमें ज़्यादा आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है। अब हम जानते हैं टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। आप चाहे तो नीचे वाले को डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर किसी को भी चेंज कर सकते हैं आंसर और हर में से। तो यहाँ पर टेन 90 माइनस 64 कितना हो जाएगा, कॉट 64, और ये नीचे भी आपका क्या हो गया, कॉट 64 डिग्री। कॉट से कॉट क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, चूंकि एक एंगल अगर एक जैसा है तो हम इसे क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, और इसका आंसर भी कितना आएगा आपका, बनाएगा बन, इसका आंसर आ गया। कितना सिंपल क्वेश्चन, इससे ज़्यादा सिंपल क्या हो सकता है। अब हम देखेंगे हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, थर्ड क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, ये कह रहे हैं कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। यहाँ ध्यान से देखिएगा, कॉस और साइन का पेयर दिया हुआ है। अब हम इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर सकते हैं, तो हम पहले वाले को एज इट इज रहने देते, चूंकि सम तो 90, कॉस 48 माइनस, इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 48 डिग्री। हमने आपको अभी बताया था, क्या बताया था, कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, कॉस 48 माइनस कॉस 48। अब चूंकि ये कॉस 48 डिग्री, ये भी कॉस 48 डिग्री इक्वल है, और चूंकि माइनस में है तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, 0 आएगा, ये आपका 0 हो गया। इसी तरीके से हमारे पास क्वेश्चन नंबर इसका जो 4 है, इसको हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कह रहा है, कॉस एक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। वह क्वेश्चन खुद ऐसा देखें, 31 प्लस 59 कितना होगा, 90 होगा, तो हम इसमें से चेंज करते हैं सेकेंड वाले को फिर से, कॉस एक 31 डिग्री, और यहाँ हम इसको लिख सकते हैं सेक 90 माइनस 31 डिग्री। तो यहाँ पे क्या होगा, कॉसेक 31 डिग्री, जैसा कि हम जानते हैं कॉसेक या सेक 90 माइनस थीटा क्या होगा आपका, कॉसेक थीटा होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका कॉसेक 31 डिग्री। अब यहाँ भी माइनस है, एंगल इक्वल है, इसको हम कैंसिल आउट करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। देखो कितने सिंपल क्वेश्चन थे, आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे। अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, उसमें क्या किया है, हमें प्रूफ करना है कि टेन 48 डिग्री, क्या प्रूफ करना है हमें सेकंड के फर्स्ट क्वेश्चन में, टेन 48 डिग्री टेन 23 डिग्री इंटू टेन 42 डिग्री इंटू टेन 67 डिग्री इक्वल टू 1, हमें ये प्रूफ करना है। तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे फ्रॉम LHS, लेफ्ट हैंड साइड से। तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड क्या लेंगे, टेन 48 डिग्री टेन 23 डिग्री टेन 42 डिग्री, और यहाँ क्या मिला, टेन 67 डिग्री। सबसे पहले हम उन पेयर को साथ में लिख लेते हैं जिनका सम 90। देखिए 48 प्लस 42 कितना होगा, 90 होगा, तो हम इसको साथ लिख लेते हैं, टेन 48 डिग्री और टेन 42 डिग्री। इसी तरीके से हम जो दूसरा हमारा पेयर है,
उसको देखते हैं, टेन 23 डिग्री और टेन 67 डिग्री, ये तो हमारा काम हो गया। अब इनमें से किसी एक को, चूंकि इन दोनों का सम 90 है, हम चेंज करके लिखते हैं। तो कैसे लिखेंगे, टेन 48 डिग्री और इसको क्या लिखेंगे, टेन 90 माइनस 42 डिग्री। यहाँ पे क्या है आपका, टेन 23 डिग्री और इसको क्या लिख सकते हैं, टेन 90 माइनस 23 डिग्री, और आपका ये ब्रैकेट बंद हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, चूंकि हमने कई बार देखा कि tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है हमारा, cot थीटा होता है। तो यहाँ भी क्या होगा कि यहाँ पर हम फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो गया, tan 48 डिग्री और ये क्या हो जाएगा आपका, 42 था तो इसको 48 लिखना है हमें, तो ये क्या हो जाएगा आपका, cot 48 डिग्री। इसी तरीके से इस वाले ब्रैकेट में क्या होगा, tan 23 डिग्री और ये कितना हो जाएगा आपका, cot 23 डिग्री, क्योंकि tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है। अब हमने एक और फार्मूला देखा था कि cot थीटा इक्वल टू क्या होता है, cot थीटा इक्वल टू होता है 1/tan थीटा। इसको हम अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखिए tan 48 डिग्री और इसको लिख सकते हैं 1/tan 48 डिग्री, ये ब्रैकेट क्लोज। वैसे तो हम tan 23 डिग्री और ये क्या जाएगा, 1/tan 23 डिग्री। हम चाहे तो इसको डायरेक्ट भी लिख सकते थे, cot थीटा इंटू टेन थीटा इक्वल टू 1, लेकिन उसको थोड़ा सा याद रखना आपके लिए आसान नहीं होता, इसलिए हम एक लाइन बढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर इक्वल है, कैंसिल हो जाएंगे, तो ये क्या मिला, 1 into 1, और 1 into 1 कितना होता है, 1 होता है। कितना ईजी क्वेश्चन था, आपको समझ में आ गया। अब हम इसका जो सेकेंड पार्ट है या सेकेंड क्वेश्चन है उसको देखेंगे, उसमें क्या प्रूव करने का कहा, ये आपका कि cos 38 डिग्री, cos 38 डिग्री, cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री और sin 52 डिग्री इक्वल टू, प्रूफ क्या करना है हमें, 0। तो हम इसको लिखेंगे फ्रॉम LHS, हम LHS से ही जाएंगे, तो यहाँ क्या आएगा आपका, cos 38 डिग्री, cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री और ये क्या हो गया आपका, sin 52 डिग्री। अब इनमें देखिएगा, इनमें किसी एक को, चूंकि 38 प्लस 52 इन दोनों का सम 90 है और यहाँ पे 38 प्लस 52 इन दोनों का सम 90, हम एक जैसे एंगल में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो हम इसे लिखेंगे cos 38 ही रहने देंगे। ये जो cos है इसको हम लिख सकते हैं cos 90 माइनस 38 माइनस ये sin 38 ही रहने देते हैं और इसको हम क्या लिख सकते हैं, sin 90 माइनस 38 डिग्री। अब हम ये तो पहले से ही जानते हैं कि क्या जानते हैं, sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है, और cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा क्या होगा आपका, sin थीटा होता है। तो सिंपली क्या करेंगे, हम इनको रिप्लेस कर देंगे, cos 38, ये cos 90 माइनस थीटा क्या होगा आपका, sin 38 माइनस, यहाँ तो sin 38 है ही और ये क्या हो गया, sin का cos 38। अब मल्टीप्लाई में आगे पीछे लिखे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी हम एक स्टेप बढ़ा देते हैं, इसको लिख देते हैं sin 38 cos 38 माइनस sin 38 डिग्री और ये क्या होगा आपका, cos 38 डिग्री, ये इससे क्या हो गया, कैंसिल हो गया और हमें 0 प्राप्त हो गया जो कि हमारा RHS में था और ये क्या हो गया, हैंस। इसको हमने क्या किया, प्रूफ कर लिया। आपने अगर पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं और वीडियो देखते देखते यहाँ तक पहुँच गए हैं तो मेरी एक बात का ध्यान रखिएगा, आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवाइएगा। हम आगे बढ़ेंगे, हमारे पास आगे जो क्वेश्चन है वो हमसे कह रहा है कि इफ tan 2a इक्वल टू है cot a माइनस 18 डिग्री, अगर ये है तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वेयर 2a इज टू एज, टू ए क्या है आपका, एक्यूट एंगल है, टू एज एक्यूट
एंगल, हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ए की वैल्यू फाइंड करनी। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, हम सीधे जाएंगे, हमें क्या गिवन है, गिवन गिवन है हमें टेन टू ए इक्वल टू कॉट ए माइनस 18 डिग्री, ये इक्वल है। हम टेन टू ए को या तो इस टेन को कॉट में कन्वर्ट करें या कॉट को टेन में, यहाँ थोड़ा सा टफ है, तो यहाँ क्या करेंगे, हम लिखेंगे कॉट, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 2a इक्वल टू ए क्या हो गया, कॉट a माइनस 18। तो यहाँ क्या किया हमने, हमने फार्मूला वही लगाया, tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉट थीटा, या तो हम इसे बदल सकते थे, या कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा। तो हमने क्या किया, tan थीटा को रिप्लेस किया कॉट 90 माइनस थीटा से। अब ये कॉट और कॉट को हम हटा देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 90 माइनस 2a इक्वल टू ए माइनस 18। अब हम ट्रांसफ़र करेंगे ये 19, 18 को यहाँ लाएंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस, और ये क्या हो जाएगा, a प्लस 2a, यहाँ पे इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 108 इक्वल टू क्या हो गया, 3a, तो a इक्वल टू क्या हो गया, 108 अपॉन 3, इसको कैंसिल करेंगे, 3 बन जा 3, 3 3 जा 9 और 3 6 जा 18, तो a इक्वल टू हमें कितना मिल गया, 36 डिग्री, यही तो हमसे पूछा था जो हमें मिल गया। इसी तरीके से हम जो है हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्थ करेंगे, जो हमसे कह रहा है कि इफ tan a इक्वल टू cot b, अगर tan a किसके इक्वल है, cot b के इक्वल है, तो क्या करना है, क्या कहा हमसे, हमसे कह रहा है इफ tan a इक्वल टू cot b देन प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट a प्लस बी इक्वल टू 90। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, हम लिखेंगे गिवन tan a इक्वल टू cot b, हम इस cot को क्या कर सकते हैं, tan a इक्वल टू cot को हम क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस बी, चूँकि हम जानते हैं cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा, ऐसे ही tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है हमारा, cot थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, tan से tan हटा देंगे तो a इक्वल टू क्या आएगा, 90 माइनस बी, ए को हम ट्रांसफ़र करके लेफ्ट साइड में लाएंगे तो a प्लस बी इक्वल टू कितना हो गया, 90। यही तो हमें प्रूफ करना था, कितना सिंपल क्वेश्चन था, इससे सिंपल क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता। इसके बाद हमसे जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि इफ sec 4a इक्वल टू, क्या बोला, इन्होंने बोला है इफ sec 4a इक्वल टू cosec a माइनस 20, वेयर 2a, 2a क्या है, या 4a है, सॉरी 4a है, तो 4a इज एन एक्यूट एंगल, कौन सा एंगल है ये, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री से कम, तो ये एक्यूट एंगल है और हमें क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, हमें क्या करना है, ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ठीक है, हमें करना है तो हम लिखेंगे गिवन sec 4a इक्वल टू हमें क्या गिवन है, cosec a माइनस 20। यहाँ पर हम लिख सकते हैं sec को क्या लिख सकते हैं, हम cosec में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं अगले स्टेप में cosec 90 माइनस 4a इक्वल टू cosec a माइनस 20। बात वही है कि cosec 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है आपका, sec थीटा। तो यहाँ पर क्या होगा, ये cosec 90, ये भी cosec है और ये भी cosec है, तो हम इसको हटा देंगे, ये लिखेंगे माइनस 90 माइनस 4a इक्वल टू a माइनस 20। 20 को यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, 90 प्लस 20 इक्वल टू a प्लस 4a। यहाँ क्या हुआ, 90 प्लस 20 कितना होगा, 110 इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा आपका, 5a, तो a इक्वल टू कितना हो गया, 110 अपॉन 5, तो a इक्वल टू कितना आएगा, 5 टू जा 10 और 5 टू जा 10, 22 डिग्री। कितना सिंपल क्वेश्चन था।
आसानी से आपको समझ में आया होगा। अब हमसे क्या कह रहा है, हम क्वेश्चन नंबर जो है सेवेंथ पहले देख लेते हैं, इसके बाद हम जो है सिक्स्थ देखेंगे। सेवेंथ क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि हमें एक्सप्रेस करना है, किसको एक्सप्रेस करना है, साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को। क्या करना है हमें, इसको एक्सप्रेस करना है किसमें, 0 टू 45 डिग्री के बीच में। एंगल किसके बीच में लेना है हमें, 0 से 45 के। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, हम कुछ नहीं करेंगे, हम लिखेंगे इक्वल टू साइन, इसको कितना लिखेंगे 90 माइनस, हम 90 में से क्या माइनस करें कि 67 आ जाए, तो सिंपली हम माइनस करके देख लेंगे 90 67, 10 में से 7 गया 3 बचा और यहाँ 8 में से 23 बचा, तो 90 माइनस 23। इसी तरीके से हम यहाँ लिखेंगे कॉस और ये क्या लिख देंगे 90 माइनस 15 डिग्री, तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें साइन 90 माइनस थीटा, तो आप जानते हैं ये कॉस थीटा होता है, तो ये हो गया कॉस 23 डिग्री और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो ये कितना हो गया साइन 15 डिग्री। कितना सिंपल क्वेश्चन था, कुछ भी हमें करना नहीं पड़ा, आपको आसानी से समझ में आ गया। अब हमारे पास है एक क्वेश्चन जो लास्ट है आज की एक्सरसाइज का, कि कह रहे हैं कि इफ ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल इफ ट्रायंगल एबीसी, अब क्या कह रहे हैं, सॉरी वो कह रहे हैं कि इफ ए बी एंड सी आर इंटीरियर, कैसे एंगल हैं ये, इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, देन प्रूव दैट क्या प्रूव करना है हमें, साइन बी प्लस सी अपॉन टू इक्वल टू कॉस ए बाय टू। ये ठीक है, इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। सबसे पहले हम देखते हैं, अगर हम ट्रायंगल बनाएं तो ये कोई हमारा ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का ये क्या हो गया ए बी और सी, ये एंगल ए बी सी क्या है, एंगल है। अब हम इसको करने के लिए सबसे पहला जो तरीका पकड़ेंगे, तो हम देखते हैं वी नो दैट क्या जानते हैं, एंगल ए, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एंगल बी ए सी, तीनों एंगल लिखेंगे, या सिंपल नहीं उलझते हम सीधा लिखते हैं ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, क्या सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री, ये हमेशा किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है, किसी त्रिभुज के तीनों अंताकोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। तो इसको क्या करेंगे, हम 2 से डिवाइड कर देंगे, होल इक्वेशन डिवाइडेड बाय 2, पूरे समीकरण को 2 से भाग देने पर, 2 से क्यों दिए, क्योंकि हमें नीचे 2 लेके आना है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 इक्वल टू 180 अपॉन 2, यहाँ सेपरेट करेंगे तो ए अपॉन 2 प्लस बी अपॉन 2 प्लस सी अपॉन 2 इक्वल टू 90, हमें एक अलग करना है ए को, तो उस साइड ले जाएंगे, इसको साथ में लिख देंगे ए बी अपॉन 2 प्लस सी अपॉन 2 और ये क्या हो गया 90 माइनस ए अपॉन 2, यहाँ एलसीएम लेके साथ लिख सकते हैं हम, तो ये क्या मिलेगा हमें बी प्लस सी अपॉन 2 इक्वल टू 90 माइनस ए अपॉन 2। अब हमें करना क्या है, हमें करना ये है कि साइन कॉस को साथ में लेना है, अगर हमें साइन कॉस को साथ में लेना है तो क्या करना पड़ेगा, साइन कॉस को लाना है तो पहले साइन को लाते हैं बोथ साइड, तो यहाँ पे हम साइन लगा देंगे दोनों साइड में, तो साइन बी प्लस सी अपॉन 2 इक्वल टू ये क्या मिलेगा हमें साइन 90 माइनस ए अपॉन 2, तो यहाँ पे क्या हो गया ये साइन बी प्लस सी अपॉन 2 और ये क्या हो गया साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, तो ये कितना हो गया कॉस ए बाय 2, यही तो हमें प्रूफ करना था।
इसी बात के लिए तो हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना था। इसको करने का एक और दूसरा तरीका होता है, वह भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इसका उल्टा चल देते हैं हम। कैसे चल देते हैं कि जो हमें प्रूफ करना है, हम लिखेंगे कि गिवन, क्या गिवन है, रिवर्स प्रूफ करते हैं, तो साइन बी प्लस सी अपॉन टू इक्वल टू क्या है हमारे पास, कॉस ए अपॉन टू। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन बी प्लस सी अपॉन टू इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं हम, साइन 90 माइनस ए अपॉन टू। तो यहाँ पे क्या होगा, बी प्लस सी अपॉन टू और ये क्या हो जाएगा, 90 माइनस ए अपॉन टू। इसको हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे भी क्या मिलेगा हमें, बी प्लस सी इक्वल टू 180 माइनस ए। ए को हम यहाँ लेके आएंगे, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री, सिंस सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स इन ट्रायंगल ए बी सी इज 180 डिग्री। देयरफोर जो हमें प्रूव करना था हो गया। तो हम कैसे भी करके क्या कर सकते हैं, इन क्वेश्चंस को प्रूफ कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको मेरे द्वारा समझाए हुए क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर कोई बात समझ में नहीं आई तो कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आया तब भी कमेंट कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय विश्वनाथ।